हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप या कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर सर्च करना है लाइट शॉट। लाइट शॉट टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आपको सबसे ऊपर की वेबसाइट पर क्लिक करना है और इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ से लाइट शॉट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और जहाँ पर आपको इस फाइल को सेव करना है वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है 2-3 MB का, तो आपको इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे ओपन करते हैं। और इसके बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको रन पर क्लिक करना है, इसके बाद यस पर क्लिक करना है और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये इस तरह से हमारे लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है और अब आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, जब हम इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्क्रीन है वो धुंधली हो चुकी है और अब हमें जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर में आपको और भी टूल्स मिल जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पेन का ऑप्शन मिलता है जिसे यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं और आपको यहाँ पर रेक्टेंगल का ऑप्शन भी मिलता है जैसे किसी एप्लीकेशन को शो करना है, और इसी के साथ आप टाइटल भी एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसे सेव कर लेना है। और जहाँ पर इसको सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पर करना है, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेव हो चुका है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।